बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चंगेज़ी, जिसे बनाने के लिए मैंने चिकन ले लिया है 1 किलो। मैंने बोन के साथ लिया है, आप चाहें तो बोनलेस ले लें। और 2 अदद प्याज ले के चॉप कर ली है, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। और 100 ml के करीब है योगर्ट। और ये मैंने क्रीम ली है, क्रीम आप ले लें कोई 5 टेबल स्पून। अगर आपके पास फ्रेश दूध की मलाई हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और उसके साथ ही मैंने दूध लिया है 1 कप। और ऑयल हम डालेंगे कोई 5 टेबल स्पून के बराबर। साथ ही हमने नमक लिया है 1.5 टीस्पून, मैं डालूँगी, आप अपने जायके के हिसाब से डालें। सुरख मिर्च पाउडर ये मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मतलब, आप अपने जायके के हिसाब से ये भी डालें। और जो है हमारा खुशक धनिया पाउडर, ये मैं 1 टेबल स्पून भर के डालूंगी। चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, मिक्स गरम मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। और ये सब्ज़ चीज़ों में मेरे पास है धनिया, पुदीना के पत्ते हैं, धनिया है 1 मुट्ठी भर के, और आधा लेमन का जूस हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास छोटा हो तो आप पूरा लेमन डालें, अगर आपके पास बड़ा हो तो आप आधा डालें। तो ये मेरे पास छोटा है तो मैं ये पूरा डालूंगी, अगर आपके पास बड़ा साइज हो तो आधा ही इसके लिए काफ़ी है। 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, तेज़ वाली हैं ये। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे बनाना। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो चिकन को मैं पैन में ही मैरिनेट करूँगी, क्योंकि फिर इसके अंदर ही मैं चिकन को पकाऊंगी भी। चिकन पे हम सबसे पहले 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये हमारे पास जो पेस्ट है लहसुन और अदरक का, आधा आधा हम डाल देंगे, आधा हम ग्रेवी के लिए भिजा के रख लेंगे। ये हमने हाफ रख लिया और हाफ डाल दिया, तो इसको हम बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप हाथ से ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि पूरे चिकन पे लग जाए। आप अगर किसी बोल में करना चाहते हैं मैरिनेट तो ठीक है, उसमें भी आप कर सकते हैं। मैं इसमें इसीलिए करूँगी कि इसी में ही फिर मैं इसका पानी जो है वो ड्राई कर लूँगी आग पे रख के। तो आधे घंटे के लिए हमने इसको मैरिनेट करना है, कम से कम आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हैं। अब हम इस पर डाल देंगे दही, ये हमने पूरा दही डाल दिया, और दही के साथ हम इसको बहुत अच्छी तरह कर लेंगे कोट, ताकि पूरे चिकन के साथ दही और हमारे नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट पूरे चिकन के साथ कोट हो जाए। ये हमने डाल दिया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। पहले मैं लेमन डालना भूल गई हूँ, तो हम लेमन भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे इसको। काजू साइड पे ही पड़ा रह गया और मैंने आपको दिखाया है कि, तो ये मैं इतने सारे काजू ले रही हूँ, 50 ग्राम के करीब ये होंगे। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है और ये साइड पे रह गई कटोरी। हमने इसमें तेल डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को हम इतना पकाएंगे कि ये हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाए। और ये जो काजू हमारे पास है रोस्टेड काजू है, अगर आपके पास सिंपल काजू हो, रोस्टेड ना हो, तो फिर आप फौरी इसके साथ ही प्याज के डाल दें, क्योंकि ये रोस्टेड है ऑलरेडी। तो मैं इसको थोड़ा सा ठहर के डालूंगी, प्याज हल्का सा पिंक हो जाए तो उसके बाद मैं इसको डालूंगी। प्याज हमारा हल्का सा पिंक होने लगा है, तो अब मैं इसमें साथ ही काजू भी डाल दूंगी और प्याज को हल्का गोल्डन होने तक पकाऊंगी। प्याज हमारा हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया है, ये देखें इतना ही हम गोल्डन करेंगे, इससे ज़्यादा हमने नहीं गोल्डन करना।
बस इतना हो कि इसकी टिप लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए, तो हमने चूल्हा ऑफ कर दिया और इसको हम निकाल के तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसको हम इस तरह करके निकाल लेंगे सारा और पेस्ट बना लेंगे इसका। हमारा मैरिनेट होते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हमने इसको चूल्हे पर रख दिया, इसमें ऑयल नहीं डाला, ना ही इसमें कोई पानी डाला है हमने, सिर्फ ये अपने ही पानी में पकेगा। और इसमें हमने हाफ टी स्पून सुरख मिर्ची डाल देनी है और इसको तेज आंच पे हमने पका लेना है। ये पानी छोड़ेगा अपना और उसी पानी में ही ये पकेगा। हमने इतना इसको पकाना है कि इसका अपना पानी पूरा खुश्क हो जाए। ये इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, अभी और भी छोड़ेगा। ये देखें, इसमें पानी हमने डाला नहीं है, ये इसका अपना पानी है दही और चिकन का। पानी इसका बिल्कुल अभी ड्राई हो चुका है, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल पानी इसमें ना होने के बराबर है। तो अब हम इसको उतार के रख देंगे। ये हमने वही ऑयल लिया है जो हमारा जिसमें हमने प्याज किया था, उसमें हम लहसुन और अदरक डाल के तो इसको हल्का सा पका लेंगे। मैं शॉट नहीं ले पाई, टमाटर डालते हुए लहसुन अदरक को हल्का सा सोते करेंगे और टमाटो पेस्ट डाल देंगे। टमाटर में हमने हाफ टी स्पून मैंने पहले डाली थी सुरख मिर्ची, 1 टीस्पून में अब डाल रही हूँ। और खुशक धनिया पाउडर मैं 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी, 1.5 टीस्पून डाला है तो 1 टेबलस्पून हो जाता है। तो ये चाट मसाला ये भी हमने डाल देना है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमने साथ ही ये 1 कप दूध का भी डाल देना है और इतना हम इसको पकाएंगे कि ये सारा ड्राई हो जाए लिक्विड और इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो तेज आंच पे हम इसको पकाएंगे इसी तरह ही, ढकना बगैर लगाए। ये हम मैंने ऐड नहीं किया नमक, मैं 1 टीस्पून और डालूंगी। मैंने 1.5 टीस्पून किलो मीट में डाला है चिकन में, आप अपने जायके के हिसाब से जितना आप 1 किलो में डालते हैं आप उसी हिसाब से नमक और सुरख मिर्ची आप डालें। दूध हमारा गर्म हो गया है, अब हम गरम मसाला भी इस स्टेज पे ही डाल देंगे और पकने देंगे। हमारा ऊपर आ चुका है, ये आप देख रहे हैं, और मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास क्रीम है, आप मलाई भी डाल सकते हैं। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हमने जो प्याज और काजू का पेस्ट बनाया था वो हम ऐड कर देंगे।
और इसको कोई 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, तब तक इनका कच्चापन खत्म हो जाए। ये हमने जो अभी डाला है दही, सॉरी मलाई या क्रीम, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। देखिए दोबारा से ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, 4 से 5 मिनट हमने इसको पकाया है और अब हम ये जो चिकन हमने किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे पूरा। ये हमने शामिल किया और अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी, इसको हम हाथ से बहुत अच्छा सा यूँ अच्छी तरह मैश करते हुए तो हम इसको डाल देंगे। कसूरी मेथी का बहुत ही अच्छा जायका आता है, आप इसको ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मज़े का इसका जायका आता है। और इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट इसको हम दोबारा से कुक करेंगे चिकन के साथ और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और इसको पहले 3 से 4 मिनट हम तेज़ आंच पे, 3 से 4 भी नहीं बल्कि 2 से 3 मिनट या इतनी देर कि एक बॉयल आ जाए बस, क्योंकि हमने पानी ठंडा डाला है तो एक दफ़ा उबलने लग जाए और एक बॉयल आ जाए तेज़, तो उसके बाद हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन भी बहुत अच्छी तरह टेंडर हो जाए और हमारे सारे फ्लेवर भी चिकन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। तो एक बॉयल का पहले वेट करेंगे। बॉयल हमारा आ चुका है, अब हम इसको ढाँप देंगे और स्लो हीट हम कर देंगे कोई 12-15 मिनट के लिए, ताकि हमारा स्लो मैंने हीट कर दी है ताकि हमारा चिकन टेंडर हो जाए। 12 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है और पानी ड्राई हो गया है। बीच में से 2-3 दफ़ा मैंने चेक किया है और चिकन भी हमारा बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए आप इसकी कितनी मज़े की थिक सी इसकी अपनी दही और की सारी चीज़ों की ग्रेवी है। अब हम इसमें सबल मिर्ची मैं डालूंगी दरमियान से थोड़ी सी कट लगा के, तो डाल दूंगी। साथ ही हम इस पे धनिया, मुझे बहुत पसंद है धनिया और पुदीना का टेस्ट, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से बेशक कम डालें पुदीना, लेकिन धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी धनिया और पुदीना बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मिक्स हम कर देंगे और ये हमारा मज़ेदार चिकन चंगेज़ी तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत मज़े की डिश बनती है। तो अब हम इसको सर्विंग बोल में डालेंगे, अब हम सर्विंग बोल में डालेंगे। ये देखिए हमारा इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है और बहुत ही थिक क्रीमी सा और बहुत मज़े का ये होता है। आप बिलीव मी कि आप जब ट्राई करेंगी तो आप इसको ज़रूर अपने मेन्यू में शामिल रखेंगी, ख़ासकर जब आप कोई बहुत ख़ास आपकी कोई दावत अरेंज करें या कोई गेट टुगेदर अरेंज करें तो आप ये डिश बनाइएगा और फिर आप देखिएगा कि सबको कितनी पसंद आएगी। ये एकदम वो ड्राई भी नहीं होती और बहुत मज़े की बनती है। ये हमारी मज़ेदार डिश तैयार है, थोड़ा सा और
धनिया डालेंगे ताकि देखने में और भी अच्छी लगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नीचे लाइक के बटन को क्लिक करिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।